जैसे लेखक, कवि, कहानीकार, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक हैं। वर्तमान में माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें देश कठपुतलियों के हाथ में, हम असहिष्णु लोग और मैं भारत हूँ प्रमुख हैं। मैं भारत हूँ उनका काव्य संग्रह है। माँ और अपनी बेटी पर लिखी अपनी कविताएं गहरी संवेदनाओं को समेटे हुए है। अनेक मंच से लेखन के लिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। अब मैं मंच लोकेंद्र सिंह जी और सुदर्शन व्यास जी को देना चाहूंगी कि वे अपने काव्य संग्रह पर चर्चा करें। सुदर्शन इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और उनकी कविताएं मैं तो कहता हूं कि वो तो जो बोलते हैं वो अपने आप में कविता है। इतने मृदुभाषी, इतना मीठा बोलते हैं कि आप अभी चर्चा करूंगा तो आपको भी उसका अंदाजा हो जाएगा। सुदर्शन का जो पहला काव्य संग्रह है उसका आना इतना ही स्वाभाविक है जितना वसंत आगमन पर आम कुंजों पर बौर का आना होता है। और प्राची से सूर्य को मुस्कुराते हुए देख किसी गौरैया का चहक पड़ना होता है। सुदर्शन ने अपने पहले काव्य संग्रह से जो साहित्य जगत है उसमें एक हौले से और सधे हुए कदमों के साथ अपनी दस्तक दी है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये उनकी शायद पहली कृति है, पहला काव्य संग्रह है। तो पहले काव्य संग्रह की सुखद अनुभूति ठीक वैसे ही होती है जैसे बारिश के बाद मिट्टी की जो भूरी भूरी मिट्टी होती है उसकी जो सौंधी सी सुगंध आती है, वैसी जब हम किताब हाथ में पकड़ते हैं तो वैसी सुगंध आती है उस किताब में से। और माँ जब अपने पहले बच्चे को, जो संतान को, चाहे वो बेटी हो या बेटा, जब उसको, नवजात को हाथ में जब लेती है, वैसी अनुभूति उस किताब को हाथ में लेते समय आती है। तो उनकी ये पहली किताब है, उस पहली किताब पे चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी किताब 4 खंडों में विभाजित है उनकी कविताएं। एक खंड में प्रेम है, श्रृंगार है, दूसरे में सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उन्होंने अपने लेखन का थोड़ा सा जिम्मेदारी को निभाया है, उसके बाद फिर एक में गीत है और कुछ गजलें हैं। युवा हैं और इस उम्र में प्रेम पर कविताएं नहीं लिखेंगे तो किस उम्र में लिखेंगे। तो सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, तो मैं तो ऐसा तो नहीं मानता कि वियोगी होंगे ये, लेकिन कविता अनजान सी ही वही है। तो प्रेम पर कविताएं आपने चुनी, प्रेम पर लिखना, तो उसके पीछे क्या रहा होगा, थोड़ा सा हमारे साथियों को बताएं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, और आप सभी का भी धन्यवाद। एक पूर्व छात्र होने के नाते मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और आप सभी ने जो सम्मान दिया, इस विश्वविद्यालय ने सम्मान दिया, उसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का और आप सभी का आभारी हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि प्रेम की कविताएं ही चुनने का क्या महत्वपूर्ण कारण था, तो मैं ये कहूँगा कि एक इंसान का जब इस दुनिया में जन्म होता है तो उसके सिर्फ उसी का जन्म नहीं होता, उसके साथ पूरी प्रकृति का जन्म होता है, उसकी एक अपनी दुनिया का जन्म होता है, और उसके जन्म से कई साल पहले उससे जुड़े हुए कई सारे रिश्तों का जन्म हो जाता है। वो रिश्ते जिन्हें हम रूहानी रिश्ते कहते हैं, एक रिश्ते वो होते हैं जो जिस्मानी रिश्ते होते हैं। जिस्मानी रिश्ते यानी कि बुआ, मामा, चाचा, पापा, मम्मी, भाई, ये रिश्ते वो हैं जो हमारे जन्म से तो हमें मिले हैं, लेकिन हमारे जन्म से पहले इनका जन्म हो गया है। लेकिन एक जैसे कि हमारी ज़िंदगी एक कोरे कागज़ की तरह होती है, जन्म के बाद हम जिन जिन जैसे जैसे जिन जिन पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़ते जाते हैं और जो जो सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती जाती है, जो जो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आते जाते हैं, कुछ खट्टे रहते हैं, कुछ मीठे रहते हैं, कुछ कड़वे रहते हैं, कुछ नमकीन रहते हैं, वो सारे अलग अलग रिश्ते, वो रिश्ते जब जैसे समय हमारे साथ आगे बढ़ता है तो हम उन पलों को याद करते हैं। कुछ अच्छी आदतें रहती हैं तो जब हमें वो पल याद आता है तो हम होले से मुस्कुराते हैं, कुछ कड़वी आदतें रहती हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। तो प्रेम कविताएँ चुनने का मेरा मूल कारण यही था कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति प्रेम में रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ, चाहे वो प्रेम कैसा ही हो, क्योंकि प्रेम सिर्फ नायक या नायिका के बीच नहीं होता, प्रेम वो अभिव्यक्ति है, प्रेम सिर्फ प्रेम है, यही एक इसकी छोटी सी परिभाषा हो सकती है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा देना मैं समझता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि नामुमकिन है, मतलब मुश्किल हो सकता है, हो या नहीं हो, लेकिन नामुमकिन है। सुदर्शन कह रहे हैं कि प्रेम जो है बहुत सारे होते हैं, बहुत किस्म का है, स्वाभाविक है।
पिता के साथ प्रेम होता है, माँ के साथ होता है, ये जो प्रेम है ये किस को ध्यान में रख के लिखा था? बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है जज्बातों को पन्नों पर उतारना, बड़ा मुश्किल होता है जज्बातों को पन्नों पर उतारना, हर दर्द महसूस करना पड़ता है लिखने से पहले। ऐसा कौन सा दर्द आपने महसूस किया कि ये आपने लाइनें लिखी? मैं गांव से जो मैं दो तरह की बात यहां पर सर है, एक तो दोनों में क्लियर करूंगा, इसलिए मैं किताब भी साथ लाया हूं ताकि आप लोगों को वो कविताएं सुना सकूं और उन सारी कविताओं का अर्थ भी बता सकूं। छोटे कस्बे में या गांव का जो प्रेम होता है वो बड़े शहर या महानगरों से पूरी तरह से अलग रहता है, क्योंकि वहाँ संवेदनाएँ रहती हैं, वहाँ भावनाएँ रहती हैं। उसके बजाय बड़े शहरों का जो प्रेम होता है वहाँ, यही कारण भी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ यहाँ ब्रेकअप बहुत जल्दी होता है, चीज़ों में उच्चाटन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि गांव में या छोटी जगह पे जो प्रेम है वो भावनाओं से होता है, वो प्रेम जो है संवेदनाओं से होता है। पड़ोस में लड़का रह रहा है, लड़की रह रही है, दोनों रह रहे हैं। अब पड़ोस के जो चाचा जी हैं, वो चाचा जी ने यही कहा है कि जा बेटा बहन को स्कूल ले जाना। अब वो लड़के और लड़की को पता है कि वो बहन को ले जा रहा है कि किसे ले जा रहा है, तो वहाँ स्वीकारता है उन चीज़ों की। आज जिस तरह की हमारे समाज में घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे वो जो अश्लील वीडियो बना करके उनको वायरल किया जाता है, बदनाम किया जाता है, तो ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ आकर्षण है, या वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रूहानी और जिस्मानी दो तरह के रिश्ते होते हैं, तो ये प्रेम नहीं, ये आकर्षण है। और प्रेम मैं मानता हूँ कि प्रेम रूह से होता है, ये जिस्म से नहीं होता, प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। और ये जो कहता आप सुदर्शन की ये जो किताब है उसके पहले हिस्से को जब पढ़ेंगे तो आप सच में समझ पाएंगे कि प्रेम को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। इस नाते मैं सुदर्शन की सराहना करता हूँ कि उन्होंने प्रेम को बखूबी चित्रित किया है, अपने शब्दों के माध्यम से उसे परिभाषित किया है। प्रेम के लिए उन्होंने, प्रेम की कविताएं लिखने के लिए जिन प्रतिमानों का उपयोग किया वे भी उतने ही पवित्र हैं जितना हम प्रेम के बारे में मानते हैं। मीरा का उपयोग किया है, दूसरे और चीज़ों का उपयोग किया है। अब प्रेम को उन्होंने किस तरह परिभाषित किया है, चार लाइनें पढ़ूंगा और आप समझ जाएंगे कि वास्तव में उनकी प्रेम की समझ कितनी अच्छी है। जानती हो कितना आसान होता है, जानती हो कितना आसान होता है यह कहना कि मुझे प्यार हो गया है, जानती हो कितना आसान होता है कि मुझे प्यार हो गया है तुमसे, लेकिन अक्सर इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, अक्सर इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। ये लाइन जो अगली बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अक्सर इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अपनी सांसें भी गिरवी रखनी पड़ती हैं, अपनी सांसें भी गिरवी रखनी पड़ती है, ये प्रेम है। तो प्रेम की ऐसी बड़ी अच्छी रचनाएं इस रिश्तों की बूंदों में आपको मिलेगी। रिश्तों की बूंदें शीर्षक से एक कविता भी इस काव्य संग्रह में है, जो प्रतिनिधि कविता है इस पूरे काव्य संग्रह की। इसके अलावा मुंह बोले रिश्तों पर उनकी कविता है, अनमोल रिश्तों पर कविताएं हैं। ऐसे उनकी कविताएं पढ़ते पढ़ते आपको रिश्तों की जो गर्माहट है, जो संवेदनाएं हैं, वो आपको अनुभव होंगे। तो आपने इस पुस्तक का शीर्षक यही क्यों चुना, और आप रिश्तों को किस तरह देखते हैं, रिश्तों में किस तरह की कमी आपको आज दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी ज़रा बात करें। सर, मैं मानता हूँ कि रिश्ते पानी की बूंदों की तरह होते हैं। पानी की बूंद, हम एक बड़ा सा टब ले या बड़ा सा कोई सा बर्तन ले, उस बर्तन में पानी की बूंदें गिराएंगे तो वो हमें एहसास नहीं होगा, सिर्फ दिखेगा कि पानी की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लगेगा कि कब वो बर्तन भर गया, कब वो टब भर गया। यानी कि पानी की छोटी सी बूंद, जिसका हम कोई मोल नहीं समझते, कोई अस्तित्व नहीं समझते, वो बूंद एक समय में आकर के अपना एक विस्तार ले लेती है, अपना एक बड़ा आकार ले लेती है। कभी कभी वो विस्तार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो मनुष्य को या तो जीवन दे देता है, या कई बार उसका विस्तार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो प्रलय कर देता है। ठीक वैसे ही रिश्ते होते हैं, रिश्ते हमारी ज़िंदगी में अनायास आते हैं। एक वेडनेसडे एक मूवी है, उस मूवी में एक छोटा सा एक उसका मैं अनुभव आपको बताना चाहूँगा, और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुआ था कि जब उससे पूछा जाता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपने नसीरुद्दीन शाह साहब का किरदार था, और उनसे पूछा गया कि ट्रेन में ऐसा कौन था तुम्हारा जिसके कारण तुम इतने ज़्यादा विचलित हो गए हो और तुम आतंकवादियों को मारना चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं कॉमन मैन हूँ, मैं रोज़ाना सुबह शाम ट्रेन में जाता हूँ, सफ़र करता हूँ, और उस ट्रेन में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते,
हम सुबह सैर पे जाते हैं, गार्डन में लोग मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, बस में मिलते हैं, ट्रेवल के टाइम सारी जगहों पर मिलते हैं। हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनसे आँखों में बातें करते हैं। आँखों में बातें इन द सेंस हम अभिवादन, उनका अभिवादन करते हैं। हम उनसे मैसेज से बातें करते हैं कि देखो, वो कहता है कि कल ही उसने बताया था एंगेजमेंट रिंग बता करके कि मेरी मंगनी हुई है, और उसी के बाद उसका ट्रेन का ब्लास्ट हो गया। मेरा बेटा लगता था वो, मेरा भाई लगता था वो। तो मैं समझता हूँ कि वो जो संवेदना है, वो जो पहलू है, वो प्रेम है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह जो जीवन है, ये जो इसका विस्तार है, यही सारी चीज़ का जो जीवन है। क्योंकि तुलसीदास जब गए रत्नावली के लिए, इतने ज़्यादा पागल थे प्रेम में, उनके लिए तो उनकी दुनिया रत्नावली थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यार पानी में गए तो मगर को पुल बना लिया, जब दौड़ने लगे तो सांप को रस्सी बना ली, जाने लगे जब रत्नावली के बाहर पास पहुंचे, मूसलाधार बारिश थी, तो रत्नावली ने कहा कि तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। तुलसी कहते हैं कि यार मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मैं इतनी मूसलाधार बारिश में जंगल से आया हूँ। कोई और लड़की होती तो कहती वाह, ऐसा आदमी कहाँ मिलता है। अगर तुम इतना प्रेम अगर उस ईश्वर से करते तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये उच्चाटन नहीं था तुलसी का रत्नावली के प्रति, ये जो था प्रेम था, और उस प्रेम ने मार्गदर्शन दिया। तो उनको राम से हुआ। और एक छोटी सी पंक्ति है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। ये पंक्ति हमारे लिए बहुत छोटी हो सकती होगी, लेकिन इसके मायने अपने आप में इतने ज़्यादा विस्तार, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हो गया था, दीवाना हो गया था, जिसे सारी दुनिया सारे लोग पागल कहते थे, जब उसकी पत्नी ने मार्गदर्शन दिया, आँखें खोली और वो राम के प्रति दीवाना हुआ, तो सारे संतों की भीड़ लग गई ये देखने के लिए कि तुलसी कब चंदन घिसेगा और तिलक आएंगे, रघुवीर स्वयं आएंगे तिलक लगाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये प्रेम क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने जब पहला अध्याय लिखा तो प्रेम पे लिखा, अध्याय पूर्ण हुआ तो लेके गए अपनी प्रेयसी को दिखाया, देखो मैंने कितनी सुंदर कविताएं तुम्हारे लिए लिखी हैं। तो उसने कहा कि मूर्ख हो तुम, इतना प्रेम तुमने अगर अपने समाज से किया होता, अपने देश से किया होता, तो आप अमर हो जाते। तो उसके बाद सुदर्शन ने कहा ये बात ठीक जमती है, इसलिए अगला अध्याय उन्होंने सामाजिक कविताओं के लिए और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व जो हैं लेखक के नाते, तो उन सब उत्तरदायित्वों को निभाने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो उसमें उन्होंने सामाजिक विषयों पर, समाज की कुरूतियों पर, समाज की विडंबनाओं पर, समाज की ज़रूरतों पर, समय क्या मांग रखता है, उसको एक कवि होने के नाते, लेखक होने के नाते, उन्होंने उसको थोड़ा सा लोगों के बीच में ले जाने का प्रयत्न किया अपनी कविताओं के माध्यम से। तो ये भूमिका कैसे चुनी, क्योंकि अक्सर इस उम्र में मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो समाज के प्रति भी उतने ही चिंतित होते हैं जितने दूसरे विषयों को लेकर के। तो अपनी कविताओं का इसको विषय कैसे बनाया आपने, एक आध कोई कविता आपकी हो तो उसका एक आध बंद भी आप सुनाएं तो अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ सर के जिस तरह से मैं सर इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सर का शिष्य भी हूँ, सर ने मुझे पढ़ाया है, तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। मेरे लिए मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र। तो जिस तरह से एक छोटा बच्चा हमारे घर रहता है, वो बच्चा कोई गलत काम करता है, उस बच्चे को उसी की भाषा में समझाया जाता है। तोतला अगर बोल रहा है, 5-7 साल का तोतला रहा है, तो उसको तोतलाई वाली भाषा में हमें बोलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही समाज में जिस तरह से जो आज का जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य में अगर हमें अपनी बात रखनी है तो हमें समाज की जो यूथ की जो नई सोच है, उस नई सोच के हिसाब से अपने हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। जैसे आजकल के जो छोटी छोटी चीज़ों में जो कहा जाता है कि अबे अधमे रे क्या कर रहा है, तो वही एक चीज़ लेकर के मैंने कविता लिखी थी। 2-3 साल पहले अकाल पड़ा था, और अभी इस वर्ष अगर दीपावली तक बारिश हुई है तो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो एक कविता थी कि हद में रहो, मेरी पीढ़ी है, मेरी उम्र के लोग हैं, तो मेरी उम्र के लोगों से मैं इस लैंग्वेज में इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि उन्हें यही लैंग्वेज पसंद आएगी। उन्हें अगर साहित्यिक भाषा में अगर हम समझाएं, दोहा चौपाई सोरठा में अगर ये चीज़ समझाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। हद में रहो कि भानु चाहे तो आग बरसा कर उजाड़ दे संसार, हद में रहो कि भानु चाहे तो आग बरसा कर उजाड़ दे संसार, लेकिन तुम्हें सवारने सहेजने को हद में रहता है।
हद में रहो, बहुत खूब बहुत हद में रहो कि मूसलधार होकर टूट पड़े मेघ, टूट जाए सारे बांध, लेकिन तुम्हें तृप्त करने को अपनी हद में रहता है। क्या बात है, हद में रहो, बहुत सुंदर। हद में रहो कि साहिल तोड़ उजाड़ सकती है नदियां तुम्हारा संसार, हद में रहो कि साहिल यानी किनारा, हद में रहो कि साहिल तोड़ उजाड़ सकती है नदियां तुम्हारा संसार, लेकिन तुम्हें पालने को वो अपनी हद में रहती है। लेकिन तुम निष्ठुर से हो, अपनी हद में नहीं रहते कभी। ये मैं आप लोगों से नहीं, मतलब मैं ये लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम ना पेड़ पौधों को ठीक तरह से उनका संवर्धन संरक्षण नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं बचा रहे हैं। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हो रही है, कहीं ज्वालामुखी फूट रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन तुम निष्ठुर से अपनी हद में नहीं रहते कभी, प्रकृति देती है बार बार चेतावनी कि अपनी हद में रहो। बहुत सुंदर रचना, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सुदर्शन जी का अभी हाल ही में बता दो विवाह वाली बात सुदर्शन जी का अभी हाल ही में विवाह संपन्न हुआ, अच्छा सगाई हुई है, होना है, अभी भी संभावना टटोल रहा है भाई, छोटा भाई ये बैठा है, बताना नहीं भैया घर पे हैं तो, लेकिन वो जो मैंने बेटी क्या होती है, इस दर्द को, इस संवेदना को, इस रिश्ते को मैं मानता हूँ कि मैं अगर एक बेटे का पिता रह जाता या दूसरा भी बेटा संतान के रूप में बेटा ही आता तो शायद मैं अपने पिता होने के एहसास को भी नहीं समझ पाता। तो पिता होने का एहसास और उस बेटी को, बेटी की संवेदनाएं समझने का एहसास बेटी आने के बाद ही होता है। मैं मानता हूँ कि मैं जो पिता बना वो दूसरी संतान पर ही बना, तो बेटी पर अभी तो कुछ है नहीं इधर तो, लेकिन बेटी पर जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं वो बड़ी मार्मिक कविताएं और वो हम सब बेटों को सीख देने वाली कविताएं, मतलब हम सब लड़कों को बताती हैं कि बेटी होना या एक लड़की होना और उसके प्रति कैसी संवेदना रखना, उसके प्रति कैसा सम्मान का भाव रखना, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो उनकी इस तरह कविता से ही हमने उनकी हद में रहो वाली बात को बड़ी अच्छे से समझा, तो मैं कहूँगा कि वो कविता भी आप सुनाई दीजिए, अच्छे घर की लड़कियाँ या दूसरी कोई बेटी पर जो कविता है उसको सुना दीजिए। मैं इसी के साथ एक बात भी कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में नारी सशक्तिकरण की बातें बहुत होती है, लेकिन नारियों को सशक्त करने का जो प्रैक्टिकली जो तरीका है या प्रैक्टिकली जो सोच है हम वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद, क्योंकि एक छोटी सी कविता थी कि बड़े घर की बेटियों के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि बड़े घर की बेटियां शराब नहीं पीती, बड़े घर की बेटियां पब में नहीं जा सकती। मैं नई सोच के हिसाब से ये चीज़ कह रहा हूँ, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा क्या कहती है वो एक अलग विषय है, चूँकि यहाँ कविता की और सशक्तिकरण की और समाज की बात हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बड़े घर के बेटों और बेटियों की तुलना कर रहा हूँ, तो मेरी बात को कृपया करके गलत मत लीजिएगा। बड़े घर की बेटियाँ शराब नहीं पीती, बड़े घर की बेटियाँ पब में नहीं जा सकती, बड़े घर की बेटियाँ अपनी मर्जी का पहन नहीं सकती, देर रात तक घूम नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो अच्छे घर की और बड़े घर की बेटियाँ हैं, लेकिन बड़े घर के बेटे सब कुछ कर सकते हैं। ये जो सोच है हमारी, इस सोच को बदलना है, और जिस दिन ये सोच बदल गई उस दिन मैं असल में कविता कहाँ है वो कविता मैंने लिखी थी, तब तक एक और दूसरी जो कविता थी दहेज प्रथा पर है, मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। कितना अजीब लगा होगा उस बाप को। ये कविता सिर्फ दहेज प्रथा पर नहीं है, ये कविता उन मानवीय संवेदनाओं पर भी है कि एक बेटी घर में तो रहती है लेकिन उस पर जिस तरह से मानसिक रूप से उस पर जिस तरह से कुठाराघात किए जाते हैं, शब्द माफ़ी चाहता हूँ उपयोग कर रहा हूँ मैं, कि उसे खुद को लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, या मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दी जा रही है, जो भाई के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, या मुझ पर बंदिशें क्यों लगाई जा रही है। तो वो एक मानसिक स्थिति है, उस पर ये कविता है कि कितना अजीब लगा होगा उस बाप को, न जाने कितने सपने संजो कर उसने अपनी लाडली को विदा किया, अपने चांद के टुकड़े को एक पल में रुखसत कर दिया खुद से जब दहेज को लेकर जला दी गई।
रोते हुए बाप ने उसकी चिता को आग लगाई तो लाश चीख कर बोली अपने बाबुल से, पापा, लाश चीख कर बोल दी अपने बाबुल से कि पापा पापा कम से कम आप तो मत जलाओ, मुझे बहुत दर्द होता है। थैंक यू। ये सुदर्शन की कविताओं की संवेदना है जो हम सबको हमारे मन को स्पंदित करती है। तो और बहुत सारी बातें हमने की, समय की अपनी मर्यादा रहती है। मैं कुछ समय का और उपयोग, अभी अपने पास समय बचा है तो मैं उस समय का उपयोग इस नाते करना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोगों की जिज्ञासाएं हों कि उन्होंने कैसे कविता की तरफ रुख किया, कैसे लिखना प्रारंभ किया, या हमारी अभी जितनी बातचीत हुई उसमें से कुछ जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में उमड़ा हो तो आप सहज पूछ सकते हैं। और युवा कवि हैं, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देखा जाए तो हमें हो सकता है आपकी कविता पढ़ने का मौका मिले। यदि किसी को कवि बनना है तो आपके विचार से शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, मन में विचार कैसे आए, कैसे हम शुरुआत करें कि आगे चल के अपने आप को एक कवि के रूप में स्थापित कर सके या कुछ अच्छा लिख सके आप जैसे? देसीपन है, उस देसीपन को हमेशा बरकरार रखना, रोबोट मत बनना। क्योंकि व्यक्ति जब रोबोट बन जाता है, जिस दिन वो रोबोट बन जाता है, रोबोट बनने के बाद वो खुद को ख़त्म कर लेता है। और खुद को ख़त्म करना यानी कि अपने जीवन को ख़त्म करना, और आपकी जो कला है, आपकी कविता है, आप उसे ख़त्म कर लेते हैं। आप जो समाज में देख रहे हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, वो लिखो, खुल के लिखो। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आज फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उस पर जो मन में आए लिखो। ये परवाह बिल्कुल मत करो कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सहन करनी पड़ी है, लेकिन मैंने लिखा है और लिख रहा हूँ, हमेशा लिखता रहूँगा। और किसी का प्रश्न, एक प्रश्न ले। कि बूंद बनने से पहले वो टूट कर बनती है, और जब वो डब में आई तब वो एक रिश्ते के रूप में उभर के आई। आपके आपने जैसा कहा था, तो मेरा ये मानना है क्या लेखक बनने के लिए या किताब लिखने के लिए प्रेम करना जरूरी है या टूटना जरूरी है? प्रेम के जो अनुभव होते हैं या उसका उनके जो तरीके होते हैं, उनका उसका जो स्वभाव होता है प्रेम का, वो अलग अलग होता है। पहले उसे माता का प्रेम मिलता है, पिता का मिलता है प्रेम। मैं कहता हूँ प्रेम एक जो है परिवेश है, आवरण है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारा परिवेश जैसे बदलता है, हमारे आवरण बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारे लिए प्रेम बदल जाता है, उसकी परिभाषाएँ बदल जाती हैं। और तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए प्रेम करें, क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम जिया जाता है। और जिस दिन आपने प्रेम को जीना सीख लिया, उस दिन अपने आप कवि बन जाओगे। देखो भैया, कवि बनने के लिए प्रेम करना जरूरी नहीं, वो तुम जिस प्रेम के चक्कर में पड़े हो वो तो जरूरी नहीं। कवि क्या होता है, कवि की खासियत है कि वो परकाया प्रवेश की कला जानता है। उपन्यासकार हो या कवि हो, वो परकाया प्रवेश करना जानता है। पिछले दिनों लिखी फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी, मैं सीखा हूँ अभी व्हाट्सएप स्टेटस डालना, पहले नहीं डालता था, तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ गए, भाई क्या हो गया, पत्नी जी से झगड़ा हुआ क्या या कुछ और विषय है? तो मेरे को सफाई देनी पड़ी, मैंने कविता लिखना बंद कर देता हूँ, एक काम करता। एक छोटी सी कविता है, आप सभी के जो सवाल हैं, जो दो तीन सवाल हुए हैं, तीनों सवालों का जवाब आप समझ लीजिए। और मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि पहला सवाल जो आपका था उसी का जवाब भी आप समझ लीजिए। रोज़ाना तड़के, रोज़ाना तड़के फजर की अजान से पहले नींद मुझे होश में ला देती थी। रोज़ाना तड़के फजर की अजान से पहले नींद मुझे होश में ला देती थी। आँखें मलकर बगैर वुजू किए ही निकल पड़ता था अपनी नमाज के लिए। बहुत बढ़िया। मेरी नमाज गली के नुक्कड़ पर बने, मकान के छज्जे पर। कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, सिर्फ प्रेम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो ही प्रेम मिलेगा। रोज़ाना तड़के फजर की मेरी नमाज गली के नुक्कड़ पर बने, मकान के छज्जे पर। किताबों की ओट में इंतज़ार करती थी मेरा, और मैं इंतज़ार करता था मौलवी की अजान का। क्या बात। सच कहूँ तो मौलवी ने मुझे अपनी नमाज का पाबंद बना दिया था। मौलवी की तरह मैं भी नमाज का पाबंद इसलिए था क्योंकि मौलवी नमाज के बहाने खुदा से बातें करता था, और मैं खुदा के बहाने मेरी नमाज। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये हमने बात की सुदर्शन जी से, उनकी किताब रिश्तों की बूंदों पर बूंदें, और ये किताब जो है इसमें कुल जमा
51 कविताएं, 91 कविताएं हैं 91, और ये आपको ऑनलाइन अमेज़न पर भी मिल सकती है, आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि उनकी हर बात, हर बोली, हर वाक्य की ही कविता है। मालवा के आदमी हैं, मालवा के आदमी मीठा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो मालवा के इस कवि को हम इनके रचनाओं का, इनके कविता संग्रह का तालियों के साथ स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे वो इसी तरह बहुत अच्छा अच्छा लिखते रहेंगे और अपने सभी प्रकार की भूमिकाओं का, सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों का भी बखूबी निर्वहन करेंगे।